दीपावली के उपलक्ष्य में भगवान ब्रह्मादेव मंदिर जमोली में आयोजक गोपीचंद यादव प्रधान ने सभी आसपास के ग्राम वासियों के सहयोग के द्वारा 11,000 दीपक भगवान ब्रह्मादेव मंदिर के आसपास जलाकर बड़ी ही धूमधाम से छोटी दीपावली मनाई। औरैया जिले में ऐसा पहली बार दिखा जहां एक साथ 11,000 दीपक जलाकर छोटी दीपावली मनाई गई। दीपोत्सव जलाने वाले आयोजक सहयोगी गोपीचंद प्रधान, सोने लाल कुशवाहा, फूल सिंह, प्रदीप कुमार, मलखान सिंह, बलवंत सिंह, संवेद सिंह, सपा नेता अजमतपुर एवं अजय कुमार आदि लोगों ने दीपोत्सव कार्यक्रम को बड़े ही भव्य रूप से सफल बनाया। ब्रह्मादेव की ऐतिहासिक मान्यता लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा पर चढ़ाई की तो बुंदेलखंड के दो वीर भाई अल्लाह और उदल, जो उस समय कन्नौज के राजा जयचंद के शरण में निर्वासित जीवन जी रहे थे, उन्हें मनाने के लिए महोबा की रानी मल्हाना ने जगनायक को कन्नौज भेजा। तो जननायक मार्ग भटक गए और पहुंचे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मादेव का सुमिरन किया और उनके सुमिरन करते ही वहां एक श्वेत अश्वरूही धवल एवं लगधक वस्त्र धारण किए वहां आ पहुंचा और उसने जननायक को उसकी मंजिल का पता बताने के साथ साथ यह भी कहा कि वह निश्चित होकर कन्नौज जाए और जिस कार्य के लिए वह कन्नौज जा रहे हैं वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। एवं जननायक ने जब अल्लाखंड की रचना की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जो इस तरह से बताया जाता है। हमारे इंडियन प्राइम न्यूज के जिला संवाददाता एसके यादव ने इस मंदिर मान्यताओं के बारे में आयोजक गोपीचंद यादव प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर साल मेला लगता है और जो लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं उनकी मन्नत हमेशा ही पूरी होती है। जैसे महिलाएं जैसे अपनी बालक होने की मन्नत के लिए आती हैं तो उनके बालक ही पैदा होते हैं और जो लोग जैसी भावना लेकर आते हैं उनके सभी कार्य इस मंदिर में मन्नत मांगने से हमेशा ही पूरे होते हैं। आपके मंदिर में आज जो 11,000 दीपक जलाए गए हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे ग्राम सभा जमौली में जो ये मंदिर स्थित है यहाँ बड़े बड़ी दूर से श्रद्धालु लोग श्रद्धा के लिए अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यहाँ बड़ी दूर से मन्नत मांगने आते हैं और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ ज़्यादातर लोग अपने पुत्र रत्न व शादी ब्याह के लिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्या महिलाएं आती हैं तो उनको क्या वास्तव में पुत्र प्राप्ति होती है आपके मंदिर में आने से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लगभग ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है अभी तक? हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा। और चैत की पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जिसमें यहाँ लगभग 2,00,000 लोगों का श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो आज कितने दीपक जलाए गए यहाँ पे? आज यहाँ 11,000 दीपों द्वारा दीपों। आपका नाम क्या है प्रधान जी और कौन सी पंचायत से है? हम ग्राम सभा जमौली, जनपद औरैया, नाम गोपीचंद यादव जी। ये जगह कौन सी है जहाँ पर ये मंदिर है? ये ग्राम सभा जमौली है, जनपद औरैया की, ब्लॉक भागनगर की।